हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करेंगे कि दुबई या यूएई या गल्फ़ रीजन में अगर आप जाते हैं और क्लीनिंग की जॉब की प्रोफाइल क्या होती है, उसमें आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होती है और मतलब वर्क क्या होता है। क्योंकि हमेशा हम अपने दिमाग में मेंटेलिटी रखते हैं कि जैसे हमारे होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में जैसे क्लीनिंग का, सफाई कर्मी का काम जो करते हैं, उनकी प्रोफाइल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे क्लीनिंग की बहुत ही अलग प्रोफाइल होती है। क्लीनिंग में करना क्या रहता है, उस जॉब का मतलब एक बहुत ही अलग लेवल से सोचा जाता है कि क्लीनिंग का काम है, सफाई का काम करना है हमको। मतलब वो बहुत ही देखते हैं कि क्लीनिंग के जॉब में, अगर बहुत सारी जगह वैकेंसी देखेंगे कि क्लीनर का वैकेंसी निकला रहता है, सैलरी भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन हम उसको कंपेयर कैसे करते हैं, एकदम डिग्रेड फॉर्म में कंपेयर करते हैं कि क्लीनिंग की जॉब वैकेंसी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब वैकेंसी बहुत ही मतलब अगर एज कंपेयर टू अपने होम कंट्री से हम लोग किया जाए तो बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग है। यहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लीन होती हैं क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है, डस्ट बहुत ज़्यादा होता नहीं है और हर जगह डस्टबिन लगा रहता है, सब लोग नियम को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है, बहुत मिनिमम वर्क होता है और एक प्रोफेशनल वर्क होता है। प्रॉपर एक आपका ड्रेस होता है, आपके पास इक्विपमेंट होता है, आपके पास ग्लव्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और एक आपका टाइमली वर्क होता है कि किस से किस टाइम आपको क्लीनिंग का काम करना है। तो अगर हम अपने होम कंट्री के क्लीनर या सफाई कर्मी से कंपेयर करते हैं तो वो एकदम उसका मतलब यहाँ के क्लीनर लोगों का अपमान होगा। बात करें कि हमारे वहाँ के जो क्लीनर होते हैं वो गटर की भी सफाई करते हैं, नालों की भी सफाई करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे गटर में ऑलरेडी वैक्यूम लगा रहता है जो ऑटोमेटिक सक कर लेता है, कहीं पर भी जाम या ऐसी कोई समस्या आती है तो वो सक कर लेता है। तो इस वजह से इस टाइप का वर्क यहाँ पर नहीं होता है और जगह जगह डस्टबिन लगे रहते हैं, छोटे बड़े सारे, वो गाड़ियाँ आती हैं ऑटोमेटिक उठा के ले जाती हैं। हाँ, क्लीनिंग में एक्चुअल में वर्क क्या होता है कि कहीं कोई किसी ने गलती से खा के कुछ रख दिया या कोल्ड ड्रिंक पी के रख दिया तो उसको, आपके पास इक्विपमेंट होता है उसको बिन में डालने का और ले जाके डस्टबिन में डाल देने का, जो आसपास हर जगह रहता है। तो हमको बस इतना ध्यान रखना रहता है। और अगर फिर क्लीनिंग में अगर आप किसी मॉल, होटल या और जगह लग जाते हैं, उसमें भी आपके पास पूरा एक ड्रेस होता है, आपके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पोछा लगाना है तो आपको हाथ से पोछा लगाना है या और सारी चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत अच्छी अच्छी सैलरी होती है अगर आप किसी मॉल में या होटल में क्लीनिंग की जॉब करते हैं या दुबई मेट्रो में आप क्लीनिंग का जॉब करते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी 50 से 60 हज़ार के आसपास सैलरी होती है। ओवरऑल ये सिनेरियो होता है, इंडियन रुपीज़ में 60,000, 70,000, 50,000 सैलरी होती है, 40,000 से स्टार्टिंग होती है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्लीनिंग में जा रहे हैं, मेरा प्रोफाइल डिग्रेड है, हम कैसे बताएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक वेल मेंटेन और वेल लेवल वाला वर्क करते हैं और ऊपर से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे प्रॉपर आपका ड्रेस, शूज, इंश्योरेंस में प्रायोरिटी और बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलती है जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। तो ये सारी ओवरऑल डिटेल्स हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर क्लीनिंग की जॉब वैकेंसी किसी कंपनी या मॉल या दुबई मेट्रो या दुबई गवर्नमेंट, दुबई म्यूनसिपलिटी जो होती है या बल्दिया होती है उसमें आया है तो मैं क्लीनिंग के लिए नहीं अप्लाई करूँगा, तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। आप अप्लाई करें, एक वेल मेंटेन जॉब होती है। अगर आप कम क्वालिफिकेशन वाले हैं या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है गल्फ़ में, दुबई में, यूएई में। अगर आपको क्लीनिंग की जॉब एज ए गवर्नमेंट या मॉल या होटल में मिलता है तो, या मतलब दुबई मेट्रो में मिलता है, बहुत ही मेंटेन और बहुत ही कम वर्क होता है, मतलब बहुत ही परफेक्ट अगर मैं कहूँगा कि जो लोग इस लेवल से बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल डिटेल्स ये थी, अगर उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन और सवाल रह जाता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका रिलेवेंट जवाब दे दूंगा।
कभी कभार देर हो जाती है क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ और उससे टाइम मिलता है तो थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ आते जाते वक्त। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि समझाऊँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे और एजेंट के चक्कर में आप फंस के या किसी कन्फ्यूजन में बड़े जॉब के लिए पैसा दें और वो जॉब पॉसिबिलिटी से ना मिल पाए। तो ऐसा नहीं है, हमेशा ट्राई वो करें कि जो आपके लिए ईजी हो और आप उसके लिए कैपेबल हों। आप उस जॉब को ट्राई ना करें जिसके लिए आप कैपेबल ना हो और एजेंट के लिए ईजी भी ना हो। तो यही ओवरऑल डिटेल्स थी क्लीनिंग के लिए। बहुत लोग पूछते थे कि वर्क कैसे होता है, क्या होता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।